चलो भाई कंटिन्यू करते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी को तो कुछ सवाल हमने शुरू किए थे और प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला करो, ठीक है सक्षम। ठीक है शिवम, ठीक है आदित्य, हर संजम करेक्ट। हर्षिता मिष्टी करेक्ट। बाकी लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन में दे रखी है, डेंसिटी में दे रखी है, लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू द फेस ऑफ द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया कौन से फेस का होगा? 6 × 4। यस, 6x4 वाला, 6 × 6 m/4 m जो एरिया है वो लार्जेस्ट एरिया होगा। तो उस केस में जो हाइट बनेगी ग्राउंड से वो हम यहाँ पे लेंगे उसका सेंटर की हाइट। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया जो है वो ग्राउंड पे है, ऐसा कुछ है। तो इसकी जो सेंटर की हाइट ग्राउंड से वो कितनी बनेगी, कितनी बनेगी ग्राउंड से? 2 m, 1 m, 1 m सेंटर की हाइट। एक डब्बा है उसका सेंटर, एक क्यूबॉइड है उसका सेंटर, जो कमरे का जो सेंटर है वो ग्राउंड से, तो वॉल ये पूरी हाइट जो है वो 2 m है, तो सेंटर की हाइट ये होगी 1 m, समझे? Yes, sir. तो हम सेंटर की क्यों ले रहे हैं? तो टॉप की क्यों लेंगे, उसके नीचे कोई मास नहीं है,
वी विल टेक द एवरेज हाइट, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेंगे, ठीक है, कि भाई पूरा डब्बा अगर एक मास पॉइंट मास की तरह होता तो कहां पड़ा होता, हमें एवरेज हाइट लेनी पड़ेगी। ये एक पूरा डब्बा है, सबसे नीचे वाली लेयर की हाइट जीरो है, सबसे ऊपर वाली लेयर की हाइट टू है, बीच में भी तो है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे टाइम हाइट बढ़ती जा रही है, तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज हाइट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट। क्लियर है? Yes. हाँ, दूसरे केस में अब क्या कर दिया उसको, स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया क्या होगा, 4 into 2 होगा, बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे इसको खड़ा कर दिया लंबी को, ठीक है, तो अब जो हाइट है वो सेंटर की हाइट वो कितनी बनेगी, अभी पूरी हाइट है 6, कितनी बनेगी, 3 meter, तो पहले 1 थी अभी 3 है, तो डेल्टा एच कितना आ गया, 2 meter, डेल्टा एच कितना आ गया 2 meter। अब हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mg इनटू डेल्टा एच, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g इनटू डेल्टा एच, डेंसिटी हमें दे रखी है 1.5 ग्राम पर सीसी, इसको सीजीएस को अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1500, ये सबको आता है करना, यूनिट चेंज करने तो आते हैं, यस सर, वॉल्यूम कितना है 642, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इनटू जी इज 10 इनटू डेल्टा एच इज 2, इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा 1440 किलो जूल आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। सक्षम ठीक है, विद्युतमान नहीं, शिवम ठीक है, संजम ठीक है,
हर्षिता ठीक है, अनुष्ठा ना देखो, अब यहां पे चेन है जो कि कुछ पार्ट उसका टेबल पे पड़ा है और कुछ पार्ट उसका जो है वो लटक रहा है। ठीक है, कितना पार्ट लटक रहा है उसका? 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है? 60 सेंटीमीटर है। राइट, नाउ इस 60 सेंटीमीटर को हमने उठा के इस टेबल पे रखना है। राइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। यस और नो? ऊपर उठा रहे हैं उसको? यस। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करनी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा। वो हमको पूछ रहा है कितना होगा। नाउ टेल मी, ये जो बिल्कुल कॉर्नर से सटा हुआ पार्ट है, ये वाला, इस चेन को बिल्कुल, इसको ऊपर उठाने के लिए वर्क डन कितना होगा? जो बिल्कुल टेबल के लेवल पे है, एमजी। एमजी एच, एच किधर गया बताओ भाई? यस सर, एच बी जो 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, चेन इस चेन का मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा चेन का मास यही है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो बिल्कुल टेबल के लेवल पे मास है उसको ऊपर उठाने के लिए अपने को जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ उसमें डेल्टा एच जीरो है। जो मास बिल्कुल नीचे लगा हुआ है उसको उठाने के लिए एमजी एच एमजी इंटू 60 करना पड़ेगा। जैसे उससे ऊपर वाले को उठाने के लिए थोड़ा और कम वर्क डन करना पड़ेगा, उससे ऊपर वाले को उठाने के लिए कम और कम करना पड़ेगा, उससे ऊपर वाले को उठाने के लिए थोड़ा और कम करना पड़ेगा। बिकॉज द हाइट चेंज फॉर एवरी पार्ट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द चेन इज चेंजिंग। तो इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा? इस रोप का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेनी। ठीक है, पूरी जो रोप है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेंगे। पूरी हाइट है 60 सेंटीमीटर, तो हम मान के चलेंगे जितना चेन का पार्ट लटक रहा है वो कितने सेंटीमीटर पे पड़ा है? ऑन एन एवरेज 30 सेंटीमीटर पड़ा है। क्या ये बात चमकी दिमाग में घुसी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया उसको? ये पड़ा है 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है W। सर ये हाफ क्यों किया? W is equal to delta U is equal to mgh या mg into delta h। ठीक है, अब मास हमें निकालना पड़ेगा। 60 सेंटीमीटर का मास कितना है? 2 मीटर अगर लेंथ थी, इफ लेंथ ऑफ चेन इज 4 kg, सॉरी 2 मीटर, then mass is 4 kg. If length of the chain is 60 centimeter, मतलब 0.6 meter, then mass कितना आएगा? 4/2 × 0.6, that is 1.2 kg. तो mass हम उतना लेंगे जितना mass chain का लटक रहा है। जो ऊपर पड़ी है उसको तो उठाना ही नहीं उसको, तो इसलिए वैसे ही हम consider नहीं करेंगे। Therefore W आएगा 1.2 × 10 × डेल्टा एच आएगा 30 सेंटीमीटर, 30 बाय
हंड्रेड रहेगा 3.62 आंसर। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसे सेंटर में से क्यों ले रहे हैं। एक बार बता मेरे को। हाँ जी सर, जो चेन पड़ी थी। यस सर, ये चेन का हिस्सा है, ये चेन, ठीक है, एक एक ग्राम का है मान ले। हाँ हर जो चेन का रिंग है वो एक एक ग्राम का है मान ले। तो पहले वाले एक ग्राम को उठाने के लिए वर्क डन और लास्ट वाले को उठाने के लिए वर्क डन क्या सेम होगा? नहीं सर। क्यों? हाइट नहीं सेम। सेम ही तो होगा। हाँ जी सर, सेम होगा ना? नहीं सर, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा क्योंकि हाइट डिफरेंट है। तो फिर कौन सी हाइट लें? अच्छा, फिर हमने एवरेज हाइट ले ली, पर मास हम पूरी कर लेंगे। क्या मास हम पूरे जो लटक रहा है उसका लेंगे? बिल्कुल, हमने सोचा, देख सपोज ये 10 हैं, 10 चेन के टुकड़े हैं ये, तो 10 ग्राम हाइट मास हो गया ना इसका। हाँ जी सर। और पूरा ये 60 सेंटीमीटर पे था, तो हमने 60 सेंटीमीटर पे, तो हमने सोचा कि पहला ग्राम वाला मास वो भी 30 पे पड़ा है, लास्ट वाला वो भी 30 पे पड़ा है, तो पहले का 0 आना था, लास्ट वाले का 60 आना था, तो एवरेज करके 30 आ गया। 30 आ गया, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, सर पिछला क्वेश्चन दिखा दो एक बार। ये वृष्टि इधर आ गई, कर क्या रही है वृष्टि? सर एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वृष्टि। डन सर। सक्षम ठीक है, शिवम दिवनो ठीक है। हर्षिता विद्योत्मा ठीक है।
60 ठीक है। संजम ठीक है। A girl of mass 40 kg sits on a swing formed by a rope of 6 meter length. ठीक है, this is the let's say rope of 6 meter length. ये 6 meter length की है और यहाँ पे एक लड़की इस झूले पे बैठी है जिसका मास 40 kg हमें दे रखा है। The person pulls this swing to this side so that the rope makes an angle 60 degree with the vertical. 60 degree with the vertical बनेगा इस रोप का एंगल। यहां पे पुल कर लिया उसको, ठीक है। The gain in potential energy of the girl हमें ये बताना है। तो यहां से पॉइंट ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, कितनी ज्यादा हुई, वो हमें निकालना है, राइट। यहाँ पे जो गर्ल है उसका मास हमें दे रखा है, वी हैव टू फाइंड दी एम जी डेल्टा एच। यहाँ पे मेन जो चीज आती है वो डेल्टा एच फाइंड करने वाली है। ये एंगल हमें 60 दे रखा है। अब डेल्टा एच कौन सा होगा? Can I say that this is the delta H? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हमें पूरी लेंथ जो है, let's say L, symbols में चलते हैं अभी फिलहाल। ये वाली लेंथ हमें पूरी दे रखी है 6 meters। ये वाली, ये भी obviously कितनी है? 6 meters. 6 meters. ठीक है। अगर मैं इतनी ये वाली लेंथ निकाल लूं और 6 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास डेल्टा एच आ जाएगा। यस सर। दिस 6 इसको मान लेते हैं लेट्स से y। अगर मैं y निकाल लूं तो 6 माइनस y इज डेल्टा एच। तो y कैन हम इस ट्रायंगल में से निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए डैश बी, यस सर, ओबीसी, ओबीसी ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ओबीसी क्या लगाएंगे? साइन कॉस, कॉस, कॉस 60 इज इक्वल टू 6 इनटू मतलब y बाय 6, तो y आएगा 6 इनटू 1 बाय 2 दैट इज 3, तो y मेरे पास 3 मीटर आ गया। देयरफॉर डेल्टा h मेरे पास आ गया 6 माइनस y दैट इज 3 मीटर। Therefore, delta U will be mg delta H. M है 40, G है 10 और H है 3. G की वैल्यू 9.8 लेनी है, दे रखी है सवाल में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा ये। कोई दुख तकलीफ? ठीक है। अगला
सक्षम करेक्ट। Vidyotma. This question is slightly different from the earlier question. Shivam, ठीक है। आदित्य ठीक है। विद्योत्मा हाँ ठीक है। बाकी लोग कर रहे हैं सर। हर्षिता ठीक है। अनिरुद्ध ना वृष्टि एंड हर संजम ठीक है। इसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे या नहीं लेंगे? सर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम रेस तो उसे हाइट से कर रहे हैं ना, किसी स्पेसिफिक हाइट के अकॉर्डिंग। अच्छा तो और फिर सर जो रॉड का मास होता है सर, एकदम से वो नहीं उठा पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी रॉड में, वो हमने एक साइड से मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली।
ठीक है, तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से बी पॉइंट ने सबसे ज्यादा पॉइंट ना बी पॉइंट ने सबसे ज्यादा हाइट रेज की, यस सर, और ए पॉइंट ने तो जीरो हाइट रेज की, यस सर, तो हम क्या करेंगे सबका एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज, एवरेज लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा यूज करेंगे, बिकॉज द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मदद लेते हैं, ठीक है, हम हर एक इंदिरा देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर एक का अलग अलग नहीं फाइंड कर सकते, हम एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज बेसिकली अब हमें बी का डेल्टा एच नहीं फाइंड करना, किसका फाइंड करना है, ओ का फाइंड करना है, बिल्कुल, एंड ओ का डेल्टा एच क्या ये होगा, यस सर, यस सर, इस ट्रायंगल से फाइंड करते हैं डेल्टा एच, this angle is 30 degree, this is delta h, पूरी रॉड की लेंथ हमें 2 मीटर दे रखी है, पूरी रॉड की लेंथ हमें 2 मीटर दी हुई है, ये ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, 1 मीटर, ये पूरी दे रखी है 2 मीटर, तो ट्रायंगल ए ओ डैश एंड इसको ले लो C. So in triangle A O dash C क्या लगाएंगे, sin cos, sin theta, sin theta, sin 30 is equal to 1 by 2 delta h upon 1 which is 1 by 2, so therefore delta h मेरे पास half meter आ गया, therefore delta u will be mgh, mass हमें दे रखा है 5 किलो, g 10 है, 1 by 2, so this comes out to be 25 kg, I hate you, I love 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 you, जब तक तो I love you नहीं बोलता मैं जान नहीं मुझे, Mishti तुम लोग घर पे पढ़ते हो, आसपास बच्चे घूमते हैं, आसपास घर वाले घूमते हैं, एंड यू गाइस पे नो अटेंशन, है ना, नीट में भी ले जाना साथ में, इनको सॉरी मेरे को नहीं, नीट को बोलना बाद में, ठीक है, चलो अब अगला फंडा करेंगे, टॉपिक बनाओ अगला, पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम, एक्सक्यूज मी सर, सर पिछले क्वेश्चन में अगर रॉड को एक साइड से उठाने की जगह हम सेंटर में उठाते तो कोई फर्क पड़ता, सेंटर में उठाया फिर तो हॉरिजॉन्टली ऐसे रॉड की जगह है, अब ऊपर उठ जाती पूरी की पूरी, हां जी सर, फिर तो पूरा पूरा ही लेते हाइट जितना उठाया उसको, ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम का क्या नाता है वो हम समझेंगे, हमने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का नाता देखा था, यस सर, क्या था, du is equals to minus fx, du is equal to minus f dx, है ना, मतलब f is equal to minus du by dr था, अरे हाँ के ना, yes sir, yes, ठीक है, ये नाता था force और potential energy का, अब force और equilibrium का कोई नाता होता है, हमने बिचौला find किया force, देखो दो potential energy और equilibrium में रिश्ता बनाना है, तो फोर्स भी चल रहा है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जान पहचान है, F is equal to minus du by dr, फोर्स और इक्विलिब्रियम में जान पहचान होती है, यस सर, यस सर, क्या है, अगर सर सारी फोर्सेस का सम जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट, इक्विलिब्रियम पे तब बॉडी कहलाई जाती है जब नेट फोर्सेस जीरो, राइट, इफ F is equal to zero, then body
इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम लिखा है मैंने, तुम लोग भूल जाते हो चलो कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम ठीक है। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, फोर्स नेट जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो कैन आई से दैट दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर इज जीरो, और डी यू बाई डी आर इज जीरो, और डी यू बाई डी आर यू आर ग्राफ का क्या है, क्या यू आर ग्राफ की क्या चीज डी यू बाई डी आर बताती है? स्लोप। यस बिल्कुल सही बात, दैट इज स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है तो जहां पे उसकी स्लोप जीरो होगी वहां पे बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल, तो अगर हम इसका फोटो बनाए हैं, अरे एक सेकंड के लिए ऊपर कर दो। यस हो गया, एक सेकंड कर दो नीचे। ठीक, मान लो ये ग्राफ है मेरे पास U वर्सेस R, कुछ भी ग्राफ रैंडम सा बनाते हैं, अगर मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, लेट्स से ठीक है मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, तो यहां पे मुझे दो तीन पॉइंट्स के बारे में तुम लोगों से जानना है कि मेरे पास एक दो तीन चार पांच छह, अभी बनाना मत, इन छह पॉइंट्स में से कहां कहां पे तुम लोगों को स्लोप जीरो लग रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल सही पकड़े, 2, 4, and 6 पे स्लोप क्या है, जीरो है ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया स्लोप जीरो वाला, एक ये पॉइंट हो गया स्लोप जीरो वाला, और यहाँ पे स्लोप जीरो है ठीक है, मतलब यहाँ पे स्लोप जीरो कैसे पता लगता है हमें, किससे? टेंजेंट से, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो ग्राफ ही हॉरिजॉन्टल है, तो कोई चक्कर वाली बात उसमें तो है ही नहीं। तो दीज थ्री पॉइंट्स, लेट्स से दीज पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, दीज थ्री पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्लोप एट ए बी सी पॉइंट्स इज जीरो, देयरफॉर सर ये आपने कोई रैंडम ग्राफ बनाया? हाँ रैंडम ग्राफ बनाया, कुछ भी हो सकता है ना, जनरल हम जनरल बात करेंगे, तो डी यू बाई डी डी आर इज जीरो, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब हमने इतना तो बता दिया कि भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यू नो दैट इक्विलिब्रियम की भी आगे टाइप्स होते हैं। तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है। उन तीनों तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, पहले तुम लोगों को थोड़ा समझाता हूँ फिर उसके बाद लिखते हैं। मान लो एक कटोरी बाउल है ना, ये इस बाउल में एक बॉल रखी है इधर, क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम में है? पहले तो ये बताओ। यस सर। कैसे पता लगा? सर एक्सेलरेशन तो लगने दी। फोर्स मतलब स्टेबल है ना ये तो? यस सर। हिल नहीं रही ना यहाँ से, नेट नेट फोर्स इज जीरो, इट इज नॉट मूविंग, नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। हाँ कहना। यस सर। अगर बॉल इधर पड़ी होती तो क्या इक्विलिब्रियम होती? नो सर। तो नीचे खिसकती ना, नेट फोर्स जीरो नहीं। चलो
अब मैंने क्या किया, इस बॉल को थोड़ा सा छेड़ दिया, यहां ले गया, छेड़ के ए से ए डैश पे ले गया, जैसे ए डैश पे लेके गया छोड़ दिया उसको, तो किधर जाएगी बॉलर? वापिस जाएगी और आगे जाएगी, वो जाएगी वापिस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे। हाँ कहना, यस सर। तो ऐसा इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जहां से अगर बॉडी को छेड़ दिया जाए और छेड़ने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल। ठीक है, अगला केस, इसी कटोरी को, इसी बाउल को उल्टा रख दो, बॉल उसके ऊपर रख दो, बॉल किस में है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम ऊपर तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब मैंने होएगी इस टाइम, क्या हो गया इस टाइम में इक्विलिब्रियम में होएगी? हाँ, अभी अभी तो ऊपर तो स्लोप जीरो है ना? यस सर, फोर्स जीरो है ना, वैसे भी इसकी भी स्लोप जीरो है, टेंजेंट बनाएंगे तो बिल्कुल ध्यान से रखनी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बॉल को हल्का सा छेड़ दिया, इधर को यहाँ कर दिया, अब बॉल वापस जाएगी, वापस आएगी या आगे जाएगी? बॉल किधर में समझा नहीं, आगे जाएगी वापस आएगी? आगे जाएगी, वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी वापस, बाय बाय टाटा, गया गया। ठीक है, वो आगे गई, शायद तुम लोगों ने देखे होंगे ड्रोल। चलो, तो वैसे तुम लोग तो देखते नहीं होगे ना, अच्छा अच्छा ये देखते हो क्या सर? नो सर, देखते रील्स वगैरह नहीं देखते ना? गुड सर, है ही नहीं हमारे पास है नहीं। हाँ हो, अरीन देखता है, देख अरीन ने साथ के साथ बता दिया राहुल गांधी। बिल्कुल हाँ, अरीन और विभव ये दोनों देखते हैं, लड़कियां शरीफ हैं। खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ भाई अरीन, अनम्यूट कर देना तू। यस सर। हाँ, कितना टाइम देखता है रील सर? देखता ही नहीं, सुना हुआ है किससे? सुना हुआ है। अच्छा, चलो ये निकल गया आगे, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? पहले वाले का कौन सा था? स्टेबल। दूसरे वाला कौन सा है? अनस्टेबल। अब तीसरा बनाते हैं, बॉल इधर पड़ी है, इक्विलिब्रियम में टेबल है सर। यस सर, मैंने इसको हल्का से छेड़ के यहां कर दिया, तो बॉल वापस जाएगी? नो सर। नो सर, नो इफेक्ट। आगे जाएगी? नो सर। वहीं पड़ी रहेगी, जहां पर जहां पे छेड़ा, जहां पे उसको नई पोजीशन दी, वहीं पे रह जाएगी। हाँ कहना, तो इस टाइप को बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तीनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के हैं। कोई शक? नो सर। नो सर। अभी जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें भी ऐसे ही कुछ था, ऐसी था ना? ये कौन सी कटोरी है? अनस्टेबल। दिस इज उल्टी कटोरी, दिस इज अनस्टेबल। ये कौन सी कटोरी है? स्टेबल। ये वाला? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ए पॉइंट हमने बनाया था स्टेबल का, बी पॉइंट अनस्टेबल का, बी पॉइंट बनाया था स्टेबल का, और सी पॉइंट बनाया था न्यूट्रल का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मेरे को ये नहीं समझ आया, स्टेबल में वो ए डैश से थोड़ा सा पीछे नहीं जानी चाहिए ए पॉइंट के, और दोबारा फिर वापस आएगी? बिल्कुल आएगी, घूम घाम के ये भूला भटका आएगा तो घर पे ही। यस सर। ठीक है जी, तो इसमें लिख लो फिर आगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द पार्टिकल इज सर मैं ना इस बारे में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो ऊपर है वो वहां पे इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो होती है, फोर्स कैसे हमने जीरो लिख दी फिर? तो अभी बोला है फोर्स जीरो होती है, फिर फोर्स कैसे जीरो लिख दी मतलब? क्या सर? नहीं दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में जैसे नेट फोर्स हम जीरो लेते हैं, पर अगर जैसे हम कोई दीवार को है फोर्स लगा रहे हैं तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, तो ये नेट ही होती है भाई। अच्छा वो ये वो होती है ना कंजर्वेटिव। हाँ अच्छा तो हम इसे नेट ही ले लेंगे। हाँ नेट कंजर्वेटिव फोर्स है ये। ठीक है सर। व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन if the particle returns back to its original initial equilibrium position then equilibrium is said to be stable. कटोरी टाइप बना के हम उसको याद रखेंगे। ये प्लस टू में पूछूंगा तुम लोगों से दोबारा, समझे? याद होना चाहिए कौन सी कटोरी स्टेबल है कौन सी कटोरी अनस्टेबल है। F is zero, मतलब du by dr वो भी क्या होगा? Zero. Zero. ठीक है। और एक सेकेंड यार F zero है, du by dr zero है, और अगर हम इसको मैथमेटिकली चेक करना है, ये तो चलो हमने लॉजिकली समझ लिया कि भाई स्टेबल है अनस्टेबल है, इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है चेक करने का, वो होता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, हमें ये देखना है कि वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, तो हम क्या करते हैं उसको डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब मिनिमा बनेगा। ठीक है ये क्या बनेगा? एक मिनिमा बनेगा। मिनिमा बन रहा है ना, देखो ये मिनिमा, दिस इज अ लोकल मिनिमा है ये मिनिमा। हाँ के ना मिनिमा बन रहा है। मैक्सिमम किधर किधर दिख रहा है? A पे, A पॉइंट पे मैक्सिमा है, B पॉइंट पे मिनिमा। तो जो हमने याद है उसमें क्या था, जब फोर्स पुलिंग पुशिंग निकाल रहे थे, मिनिमा मैक्सिमा कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी हमने एक बार डिफरेंशिएट करके देखा था, तो इक्विलिब्रियम हमने फोर्स जीरो निकाल ली थी, हमने डिफरेंशिएट कर दिया था,
ग्राफ को, ठीक है, और उसको फर्दर हम चेक करने के लिए कि मिनिमा या मैक्सिमा उसको हम डबल डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे भी काम आएगा, आज कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसके। तो दिस इज अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दूसरा, when the particle is displaced slightly from its equilibrium position and if the particle, kya hoga is case mein particle? Does not return its initial position. It will not return, yet will move further. Move further. And if the particle displaces further away from its equilibrium position, then equilibrium is unstable. तो इस A पॉइंट से हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बॉल इधर आई A डैश पे और फर्दर और गिर जाएगी आगे। यहाँ पे returns back, it moves further. तो इसमें भी F zero ही है, इसमें भी du by dr zero ही है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन इसका होगा नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव, और ये बनता है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा ऑफ द कर्व। फिर आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। When the particle is displaced slightly from its equilibrium position and it stays there at the new मतलब actually इसका मतलब ये है and it is again at equilibrium at the new position then equilibrium is excuse me sir हाँ जी सर, अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाय आर की मतलब उसकी अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और नेगेटिव आएगा तो ये ऑब्वियस ही है कि मतलब मैक्सिमा ही होगा वो। बिल्कुल ऑब्वियस है, मतलब सर और कहीं नहीं हो सकती वो नेगेटिव, और कहीं मतलब उस कर्व में सर, और कहीं उस कर्व में जहां जहां पे भी मैक्सिमा होगा वहां वहां पे नेगेटिव आएगी, और सर जहां जहां पे पॉजिटिव होगा वहां फिर मिनिमाज बनेंगे। ओके सर, और जहां जहां पे जीरो होगा वहां पे ये न्यूट्रल आएगा, ठीक है, इसमें जीरो होता है।
डी यू बाई डी आर भी जीरो है एंड डबल डिफरेंसिएशन भी जीरो है। ठीक है, तो जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मैक्सिमम है? यस, दैट इज मतलब यहाँ पे पॉइंट ऐड करना कर लो, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जहां पे अनस्टेबल है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट जीरो नहीं, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। आगे पीछे से कंपेयर करते हैं, ठीक है, चिपका लिया? Yes, sir. ठीक, क्वेश्चन करें लो। एक मिनट। ठीक है सक्षम, आदित्य ठीक है, बाकियों को डिफरेंशिएशन मुश्किल लग रही है क्या? दो मिनट।
शिवम एंड विद्युत्मा करेक्ट. इक्विलिब्रियम निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे और जीरो पुट कर देंगे यहां के ना. ओ यहां के ना फॉर इक्विलिब्रियम ड्यू क्रिएट ड्यू बेड विल बी जीरो दैट इज ddx ऑफ a इनटू x पावर -12 माइनस बी इंटू एक्स पावर माइनस छे इज इक्वल टू जीरो. अब डिफरेंशिएट करेंगे इधर पहले अलग अलग कर देते हैं इसको. इसमें ए कांस्टेंट है एक्स पावर माइनस बारह की डिफरेंशिएशन माइनस ट्वेल्व एक्स टू द पावर माइनस थर्टीन फिर माइनस बी माइनस छे नीचे उतरेगा एक्स पावर माइनस सेवन जीरो. दिस इज माइनस बारह रिप्लेसेबल है ना. क्या एक्स और आर रिप्लेसेबल है. हाँ हाँ वो आर हम इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में वाई दे रखो. ठीक है तो यहाँ पे वो जनरल है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. एक्स में एनर्जी चेंज हो रही है वाई में भी हो सकती है जेड में भी हो सकती है. एक्स पावर तेरह माइनस मतलब प्लस हो गया इधर छ बी अपॉन एक्स पावर सात. टू ए अपॉन एक्स पावर तेरह इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स पावर सात. बोल सकता हूँ एक्स पावर सिक्स इज इक्वल टू टू ए बाई बी. आगे ना ये ठीक पता लगा क्या किया मैंने. यस सर. देखो यस सर. तो x इज इक्वल टू आ गया 2a बाय b तब पावर 1 बाय 6. अगला सवाल आपको एक तो पॉइंट ढूंढना है और वो बताना है कौन सी पीरियड का पॉइंट है स्टेबल है अनस्टेबल है न्यूट्रल है.
विद्योत्मा ठीक है, शिवम ठीक है, सक्षम ना अनिरुद्ध ठीक है, उस सक्षम क्या हो गया तुम्हें, क्या झोल कर दिया? तो पता नहीं सब दोनों गलत है, नहीं स्टेबल एंड स्टेबल गलत है तुम्हें। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? एक मिनट से मैं दोबारा करती हूं। परिस्थिति ठीक है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? दूसरा आंसर du by dx को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट मतलब du by dx को क्या करेंगे? जीरो डिफरेंशिएट करो ax स्क्वायर का 2ax क्यूब आ जाएगा सर, 2ax माइनस b का ax का b इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास x क्या आ गया b by 2। This is the point जहां पे equilibrium मिल रहा है। अब कौन सा है उसके लिए double differentiation देंगे, right? This is du by dx, so d square u by dx square क्या होगा? d dx of 2ax minus b, यही है ना? इसी को differentiate करना है एक बार और, तो क्या आएगा? 2a, बस है ना? बी तो जीरो हो गया, ये आएगा 2a। ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल देयरफॉर इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। खत्म। चलो मैकेनिकल एनर्जी पता है तुम लोगों को क्या होती है? Yes, sir. क्या होती है? Sum of kinetic and potential energy. Yes, it is sum of kinetic and potential energy. Mechanical energy होती है sum of kinetic energy and potential energy. Can mechanical energy be positive? Yes, sir. Obviously, yes. Can mechanical energy be zero? Yes, sir. Yes, sir. पक्की गल है? Can mechanical energy be negative? Yes, sir. पक्की गल है? Yes, yes, sir. Zero कब होगा? अगर zero हो गया तो kinetic energy और potential energy का sum zero हो सकता है? Yes, sir. कब कैसे? एग्जांपल बताओगे फिर? अगर मान लो कोई चीज जैसे पड़ी हुई है और लाइक उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो वहीं पे बैठी है तो मैकेनिकल एनर्जी उसकी जीरो होगी। मतलब उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हां जी सर, अगर ग्राउंड पे जैसे पड़ी है तो? अगर ग्राउंड पे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, लेकिन चलो स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी, है ना? ये हो गई। लेकिन कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है स्टिल मैकेनिकल एनर्जी जीरो? सर अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो हो सकता है। इज इट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना? यस सर। यस सर। कहाँ पे? एग्जांपल सर, जैसे हमने अगर किसी हाइट को मतलब वो माना हुआ है कि ये हमारी मीन हाइट है तो अगर उससे नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा
चलो वो तो हमारी assumption होगी ना, तो वहां पे हमने जीरो मान लिया, लेकिन एक्चुअली मैं वो तो चेंज कर देते हैं ना हम कभी कर, अगर बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। नहीं, कोई नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों ने पढ़ी है अभी तक जिंदगी में? जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ी हो सकती है। केमिस्ट्री में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है? नहीं पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ी ही नहीं। क्या फॉर्मूला था? उठ गए माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर शायद। माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है नेगेटिव आती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 2 × 13.6 होता है। टू इंटू क्या, वो तो कौन से इलेक्ट्रॉन के कौन से एटम की है तो उस पे डिपेंड करता है ना। हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी तो -13.6 होगी। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी -13.6। वहां पे मैकेनिक, अच्छा देखो वहां पे जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, इट कैन बी जीरो आल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, तीन हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट काइनेटिक एनर्जी कैन इट बी नेगेटिव? नो सर, नो सर, नो सर, कैनॉट बी नेगेटिव। तो इन तीनों में से सिर्फ एक एनर्जी ऐसी है काइनेटिक एनर्जी which has to be greater than or equal to zero, yes or no? Yes sir. Yes sir. Therefore I can say that mechanical energy minus potential energy has to be greater than or equal to zero. ठीक है, तो kinetic energy can, मतलब is, can be greater than or equal to zero, potential energy and mechanical energy can be positive, negative और जीरो, तीनों हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम में आपको पूछा जाए, भाई एक चीज दे दी आपको, एक एक क्वेश्चन देता हूं उसमें से बताना। Graph is between potential energy and distance. If E represents total mechanical energy, if E represents total mechanical energy, हमें ऐसा रीजन बताना है विच इज नॉट पॉसिबल। फाइंड द रीजन विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब रेंज बतानी है, जीरो एक्स, जैसे एक्स एक्स की रेंज बतानी है, एक्स जीरो टू ए, या मतलब लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, या कोई भी रीजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा रीजन। सर वी, वी क्या है? V इज पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखा ना ग्राफ इज बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस।
सक्षम करेक्ट हाँ भी बाकी लोग कुछ चमक रहा है यस सर यस सर विद्योत्मा हमें x का रीजन बताना है दो ऑप्शन हैं चलो x तीन ऑप्शन हैं ए ऑप्शन x लेस देन ए बी ऑप्शन x ग्रेटर देन ए सी ऑप्शन फॉर ऑल x इन तीनों में से कौन सा रीजन पॉसिबल नहीं है विच वायलेट्स द कंजर्वेशन ना सर विच वायलेट्स द मैकेनिकल एनर्जी का फंडा जो अभी हमने ऊपर किया सर सी का मतलब है कि इन ऑल रीजंस हाँ मतलब कुछ भी सारा ग्राफ ही गलत है ना ए से कम वाला जो ग्राफ वो सही है ना ए से ज्यादा वाला ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ गलत बनाया हमने ये बताना है ओके देखो हमने ये सोचा है ना ये समझा है ना ऊपर देखो काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है ना ग्राफ नहीं है ना उधर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ई रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी तो यहाँ है तो कौन बड़ी है ई बड़ी है या पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है फिर से बोल दो मैंने कहा ई ई की वैल्यू ज्यादा है या पोटेंशियल एनर्जी 0 की वैल्यू ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी अच्छा ई मान लो यहाँ पे 10 है तो ई ज्यादा है या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ई पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है कौन बोला था इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 टू ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है और टोटल ई लेट्स से 10 है अब मतलब ये तो सही है ठीक है देखो हमने मैकेनिकल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मतलब ये तो लेकिन सही है उसके बाद देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई मान लो 15 और टोटल एनर्जी तो 10 है तो ये रीजन ये वॉलेट हो गया ना मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी से Yes, sir. लेकिन ए जैसी ए से क्रॉस हुआ एक्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मतलब नेगेटिव हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो आंसर इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव देयरफॉर नॉट पॉसिबल तो सारा जो खेल है वो किस पे टिका है काइनेटिक एनर्जी पे टिका है काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट कैन नॉट बी नेगेटिव क्लियर सर मुझे समझ नहीं आया क्या नहीं समझ में आया सर ये तो आ गया कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से 0 है मतलब से कम है 0 टू ए में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो टोटल एनर्जी तो एक फिक्स वैल्यू दे रखी है मान लो 10 है वो ठीक है यस सर पोटेंशियल एनर्जी कम है 0 टू ए में या ज्यादा है सर कम वो पॉसिबल है या नहीं है ये देखो ये रहा
फिर यस मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ तो ज्यादा है या नहीं है वो जीरो टू एट है सर। तो वो रीजन ठीक हुआ या नहीं हुआ? ठीक हुआ। एट से जब एक्स ए से बड़ा है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है सर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं। वी नॉट, वी नॉट, वी नॉट है ना, वी नॉट की वैल्यू ई से ज्यादा है ना, 15 हो गई मान लो। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई या मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा हुई? पोटेंशियल एनर्जी, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। चलो एक्सरसाइज 0.1 का पार्ट सी एंड डी आपका होमवर्क है। ठीक है, सी डी आपका होमवर्क है। डिस्कशन कब करेंगे? क्लास में करेंगे अगली? नहीं, और कब करेंगे? सर मतलब ट्यूसडे को कर लेंगे प्लीज सर, क्योंकि फिर मंडे तक कैसे कंप्लीट करेंगे। यस सर। क्यों मंडे को क्या है सर? एक्चुअल में संडे को टेस्ट है, और संडे को टेस्ट देके फिर ब्रेक लेनी होती है थोड़ी सी। तो ले लो थोड़ी सी, एक घंटा ब्रेक ले लेना, उसके बाद काम कर लेना। ठीक है, डिस्कशन तो मंडे ही होगी। ओके सर। सर पार्ट्स कौन, एक बार रिपीट कर दो। सी एंड डी एक्सरसाइज 01 पार्ट सी डी। यस। ओके सर। चलो जी, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।